ओके इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट को पोलराइजेशन एंड क्रॉस पोलराइजेशन तो यहाँ पे देखिए ये ट्रांसमिटिंग एंटीना है ये रिसीविंग एंटीना है दोनों कैसे एंटीना है डाइपोल एंटीना है दोनों किसके एग्ज़ाम्पल हैं लीनियर वायर एंटीना का एग्ज़ाम्पल है अच्छा ये ट्रांसमिटिंग एंटीना है कनेक्टेड विथ ट्रांसमिशन लाइन ट्रांसमिशन लाइन का फंक्शन क्या होता है गाइड्स द एनर्जी अलॉन्ग इट्स लेंथ ट्रांसमिशन लाइन किससे कनेक्टेड है सोर्स से एंटीना क्या होता है मेटालिक स्ट्रक्चर होता है क्या प्रोड्यूस करता है रेडिएशन प्रोड्यूस करता है रेडिएशन किससे एसोसिएटेड होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से एसोसिएटेड होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कितने तरीके के फील्ड होते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड तो आप देखिए क्या यहाँ पे ई क्रॉस एच रूल लगा सकते हैं बिल्कुल लगा सकते हैं इसका मीनिंग क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड को किसकी तरफ रोटेट करना मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रोटेट करना अच्छा इस आप मेरा पोलराइजेशन का वीडियो देखा होगा इसका पोलराइजेशन कैसा होगा वर्टिकल तो इसका भी पोलराइजेशन कैसा होगा वर्टिकल क्यों क्योंकि दोनों का दोनों एंटीना का ओरिएंटेशन कैसा है वर्टिकल है दोनों कैसा प्रोड्यूस करेंगे वर्टिकली वर्टिकल पोलराइजेशन वर्टिकल प्रोड्यूस करेंगे ये दिमाग में इस बात को रखिएगा तो आप देखिए क्या ई क्रॉस एच रूल लगा सकते हैं बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रोटेट कराइए देखिए फिंगर्स किसको बताती थी इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर टू द पाम किसको बताता था मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रोटेट कराएंगे तो थम क्या होगा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होगा आप खास बात ऑब्जर्व करिए इसका पोलराइजेशन वर्टिकल इसका पोलराइजेशन वर्टिकल और ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा है वर्टिकल है ये चीज़ें हमने ऑब्ज़र्व करी एक दूसरी चीज़ भी ऑब्जर्व करी कि ट्रांसमिटिंग एंटीना का ओरिएंटेशन एक्स एक्सिस की तरफ रिसीविंग एंटीना का ओरिएंटेशन एक्स एक्सिस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का भी ओरिएंटेशन किस तरफ एक्स एक्सिस की तरफ तो ओरिएंटेशन ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ओरिएंटेशन ऑफ रिसीविंग एंटीना क्या तीनों सेम है बिल्कुल है अच्छा जब इलेक्ट्रिक फील्ड जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस पर इम्पिज होगी तो इसमें क्या होगा वोल्टेज इंड्यूस होगा रिकॉल दैट वोल्टेज कैसा क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी है इसके इस तरफ कैसी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरीके का वेक्टर क्वांटिटी यानी दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट क्या प्रोड्यूस करता है वोल्टेज एक स्केलर क्वांटिटी प्रोड्यूस करता है और वोल्टेज कैसा क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी यानी कि एक कोई और भी वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए वो कौन सी क्वांटिटी होती है एल ई दैट इज़ नोन एज इफेक्टिव लेंथ वेक्टर तो इफेक्टिव लेंथ वेक्टर किसके अलॉन्ग देते हैं हम हमेशा एलॉन्ग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर तो आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिएंटेशन एक्स एक्सिस की तरफ एल ई का भी ओरिएंटेशन एक्स एक्सिस की तरफ दोनों के बीच में एंगल कितना होगा जीरो डिग्री एल ई किस तरफ एक्स एक्सिस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस की तरफ दोनों के बीच में एंगल कितना होगा जीरो वोल्टेज कैसा होगा मैक्सिमली रिसीव होगा यदि दोनों एंटीना का पोलराइजेशन सेम हो तो वोल्टेज कैसा होगा मैक्सिमली रिसीव होगा तो दोनों एंटीना का ओरिएंटेशन सेम है मतलब कि ये कैसा है को पोलराइजेशन है चलिए यहाँ पे देखिए दूसरा केस देखिए इस एंटीना का ओरिएंटेशन कैसा है हॉरिजेंटल इस एंटीना का ओरिएंटेशन कैसा है हॉर्जेंटल तो मैं तो सीधे देख के बोल सकता हूँ कि यह पक्की बात है कोपोलराइजेशन होगा चलिए और देखते हैं एंटीना का फंक्शन क्या है प्रोड्यूस द इलेक्ट्रो वेव देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिएंटेशन किसकी तरफ है वाई एक्सिस की तरफ एंटीना ट्रांसमिटिंग एंटीना का ओरिएंटेशन किसकी तरफ है वाई एक्सिस की तरफ रिसीविंग एंटीना का ओरिएंटेशन किस की तरफ है वाई एक्सिस की तरफ तीनों का ओरिएंटेशन सेम है बिल्कुल मैंने यहाँ पे लिखा भी है अच्छा जब ये वेव इस पर इमपिंज होगी तो क्या होगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका कंडक्टर का इफेक्टिव लेंथ वेक्टर आपस में डॉट प्रोडक्ट होगा और क्या इंड्यूस करेगा वोल्टेज दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का है दोनों के बीच में एंगल जीरो डिग्री का है तो ये कैसा है दोनों एंटीना का पोलराइजेशन क्या सेम है बिल्कुल है दोनों एंटीना कैसे हैं हॉर्जेंटली ओरिएंटेड है तो हॉर्जेंटल पोलराइज वेव जनरेट करेंगे तो ये कैसा केस होगा कोपोलराइजेशन का केस होगा तो चलिए कोपोलराइजेशन के, के केस में क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करी दोनों एंटीना का ओरिएंटेशन सेम होना चाहिए साथ साथ दूसरी चीज़ हमने क्या ऑब्ज़र्व करी यदि कोपोलराइजेशन है तो पावर और वोल्टेज मुझे क्या मिल रहा है मैक्सिमम मिल रहा है ये दोनों चीज़ें मैंने नोटिस की चलिए तीसरा केस देखते हैं इसका ओरिएंटेशन कैसा है वर्टिकल है इसका ओरिएंटेशन कैसा है हॉरिजेंटल है क्या दोनों एंटीना का पोलराइजेशन सेम है आंसर इज़ नो चलिए एक चीज़ और ऑब्जर्व करिए एंटीना वन मतलब ट्रांसमिटिंग एंटीना का ओरिएंटेशन किस की तरफ है एक्स एक्सिस की तरफ ये इसका काम क्या है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड में ई e और एच दो कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिएंटेशन किसकी तरफ एक्स एक्सिस की तरफ क्या इन दोनों का ओरिएंटेशन इससे मैच कर रहा है नहीं क्यों क्योंकि इन दोनों का ओरिएंटेशन किस की तरफ है एक्स एक्सिस की तरफ और रिसीविंग एंटीना का जो ओरिएंटेशन है वो किसकी तरफ है वाई एक्सिस की तरफ तो क्या इस केस में वोल्टेज इंड्यूस होगा क्या नहीं क्यों क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छा इफेक्टिव लेंथ वेक्टर हमेशा किसके अलॉन्ग देते हैं अलॉन्ग लेंथ ऑफ द कंडक्टर तो एल ई और ई के बीच में एंगल कितने डिग्री का होगा नाइन्टी डिग्री का होगा तो क्या पावर का रिसेप्शन होगा वोल्टेज इंड्यूस होगा आंसर इज नो यदि दोनों एंटीना का ओरिएंटेशन अलग अलग है तो अलग अलग मतलब 90 डिग्री है एक दूसरे से तो मैं क्या बोलूँगा ये कौन सा केस होगा क्रॉस पोलराइजेशन का केस होगा चलिए एक और केस देखते हैं क्या इस केस में को और क्रॉस बोल सकते हैं को और क्रॉस बोल सकते हैं बिल्कुल बोल सकते हैं देखिए कैसे ये ट्रांसमिटिंग एंटीना है इसका ओरिएंटेशन कैसा है वर्टिकल है इसने प्रोड्यूस किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिएंटेशन ओरिएटेशन एक्सेस की तरफ लेकिन रिसीविंग एंटीना का जो ओरिएंटेशन है वो कुछ स्लेंटेड है कुछ एंगल बना रहा है एक्स एक्सेस से तो इसका इफेक्टिव लेंथ वेक्टर किसके अलॉन्ग देंगे अलॉन्ग लेंथ ऑफ द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिएंटेशन किसकी तरफ एक्से एक्स एक्सेस की तरफ तो ई e और एल ई के बीच में कुछ एंगल है बिल्कुल थीटा है तो क्या इस केस में वोल्टेज इंड्यूस होगा बिल्कुल होगा <coughs> तो वो कितना वोल्टेज इंड्यूस होगा ई एल ई कॉस ऑफ थीटा होगा अच्छा चलिए आगे देखते हैं मान लीजिए आपके पास एक एंटीना है ट्रांसमिटिंग एंटीना ये है रिसीविंग एंटीना ट्रांसमिटिंग एंटीना किससे कनेक्टेड है ट्रांसमीटर से कनेक्टेड है और इसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है थ्री गीगा है तो थ्री गीगा है और ये रिसीविंग एंटीना है जो रिसीवर से कनेक्टेड है रिसीवर से कनेक्टेड अच्छा इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है दोनों एंटीना फार फील्ड रीजन पे रखे हुए तो रिकॉल करिए कि फार फील्ड रीजन की कंडीशन क्या होती थी टू डी स्क्वायर बाई लेमडा डी क्या कहलाता था मैक्सिमम डायमेंशन ऑफ द एंटीना चलिए दोनों एंटीना किस रेंज पे रखे हुए हैं फार फील्ड रीजन पे रखे हुए पहला केस पहला केस इधर इस एंटीना ने पावर ट्रांसमिट किया तो इसका दोनों का ओरिएंटेशन देखिए दोनों का ओरिएंटेशन सेम सेम लग रहा है बिल्कुल लग रहा है तो इसने पावर ट्रांसमिट करी इसने पावर रिसीव किया और ये जो पावर मीटर है मुझे बताया कि इसकी वैल्यू आ रही है माइनस एटीन डी आ रही है अच्छा फिर इस एंटीना का ओरिएंटेशन क्या किया है? मैंने दूसरे केस में चेंज कर दिया चेंज कर दिया तो ये देखिए एंटीना का ओरिएंटेशन, मैंने इस वाले एंटीना का ओरिएंटेशन मैंने चेंज कर दिया इसने पावर ट्रांसमिट करी इसने रिसीव करी और रिसीव पावर आई माइनस सिक्सटी डी तो यहाँ पे माइनस एट्टीन डी आया और यहाँ पे माइनस सिक्सटीन डी आया तो आप देखिए पावर किस में रिसीव ज़्यादा हुई इस वाले केस में और पावर कम किस में रिसीव हुई इसमें रिसीव हुई तो आपको यदि बोलना हो कि को को पोलर कौन सा होगा और क्रॉस पोलर कौन सा होगा तो जिसमें ज़्यादा पावर रिसीव होगी उसको मैं बोलूँगा क्या को पोलर कंपोनेंट जिसमें पावर कम रिसीव होगी उसको बोलूँगा क्रॉस पोलर कंपोनेंट चलिए अब देखिए यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई है और यहाँ पे देखिए ये एंटीना है ये कोपोलराइजेशन ये क्रॉस पोलराइजेशन एंटीना का ओरिएंटेशन वर्टिकल तो यदि रिसीविंग एंटीना भी वर्टिकल है तो कैसा होगा कोपोलराइजेशन यदि रिसीविंग एंटीना हॉर्जेंटल है तो कैसा होगा क्रॉस पोलराइजेशन फिर से समझिए ट्रांसमिटिंग एंटीना वर्टिकल रिसीविंग एंटीना वर्टिकल तो क्या होगा कोपोलराइजेशन ट्रांसमिटिंग एंटीना वर्टिकल रिसीविंग एंटीना हॉरिजेंटल, तो क्रॉस पोलराइजेशन। ट्रांसमिटिंग एंटीना हॉरिजेंटल और रिसीविंग एंटीना भी हॉरिजेंटल, तो क्या होगा कोपोलराइजेशन ट्रांसमिटिंग एंटीना हॉर्जेंटल और रिसीविंग एंटीना जो है वर्टिकल है तो ओरिएंटेशन अलग अलग है तो क्रॉस होगा मान लीजिए आपके पास एक एंटीना है लेफ्ट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज एंटीना यदि लेफ्ट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज एंटीना के सामने लेफ्ट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज एंटीना रखेंगे तो कौन सा पोलराइजेशन मिलेगा को पोलराइजेशन यदि लेफ्ट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज एंटीना के सामने राइट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज एंटीना रख दूंगा तो कौन सा पोलराइजेशन होगा क्रॉस पोलराइजेशन राइट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज एंटीना के सामने यदि मैंने राइट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज एंटीना रख दिया तो को पोलराइजेशन राइट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज एंटीना के सामने यदि लेफ्ट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज एंटीना रख दिया तो क्या होगा क्रॉस पोलराइजेशन तो को और क्रॉस किसका गेम है ओरिएंटेशन ऑफ दी एंटीना का दोनों एंटीना का ओरिएंटेशन सेम तो को अदरवाइज यदि दोनों के बीच में एंगल यदि 90 डिग्री का है तो क्रॉस तो को और क्रॉस को हम और भी अच्छे से पढ़ेंगे जब मैं एंटीना मेज़रमेंट के वीडियोस डालूंगा वहाँ पे को पोलर और क्रॉस पोलर का भी ग्राफ बनाऊंगा उस ग्राफ के थ्रू इसको और अच्छे से समझेंगे तो होपफुली ये कुछ समझ में आया होगा यदि ये आपको लेक्चर अच्छा लगता है देन प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इट थैंक यू वेरी मच